तहसील गुलाम खान के इलाके देवागढ़ में अस्करी हुकाम और मलिक उमर शान के माबैन जिरगे में इलाके में सिक्योरिटी उमूर में बेहतरी के लिए खसूसी इकदाम पर मशावरत की गई। बाजोड़ के इलाके ब्रंग में मकामी विंग कमांडर ने मदरसा तालीम उल कुरान का दौरा किया और असातिज़ा और तलबा से तालीम की अहमियत और अफादियत पर बातचीत की। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से 200 बच्चों में कुरान मजीद के नुस्खे और दीगर तालीमी सामान तकसीम किया गया। तहसील मीरअली में अस्करी हुकाम और मौसीकी कबीले के मलिक उमर शान के माबैन जिरगे में अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए बाहमी तआवुन पर तबादला ख्याल किया गया। सरारोगा में मकामी यूनिट कमांडर ने सरारोगा मस्जिद के ज़ेरे एहतमाम कुरान मजीद हिफ्ज़ करने वाले तलबा के एजाज में दस्तार बंदी की तकरीब में शिरकत की। कमांडर ने हिफ्ज़ करने वाले तलबा में तहाइफ तकसीम किए। टांग के इलाके गुलिमाम में अस्करी हुकाम बाबर मुल्ला खेल और पिंग गाँव के मायदीन पर मुश्तमिल जिरगे में इलाके में क्याम अमन के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ इत्तेहाद और मरबूत रद्द अमल पर तबादला ख्याल किया गया। वाना में मकामी विंग कमांडर ने सलमान खेल कबीले के मलिक उमर शान से मुलाकात में इलाके में अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने और अराजी तनाजे के पुरअमन हल के लिए इकदाम पर तबादला ख्याल किया। लकी मरवत के इलाके ताजबी खेल में अस्करी हुकाम ने इलाके की मजमूई सिक्योरिटी के तजिए के लिए बाजार और मुख्तलिफ अड्डों का दौरा किया और मकामी लोगों से मुलाकात में इलाके में दहशतगर्दी के नासूर खत्म करने के लिए बामिया मांगी की अहमियत पर गुफ्तगू की। नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ रागिब करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज के ज़ेरे एहतमाम पारा चिनार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अमन फुटबॉल टूर्नामेंट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया।